नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट वीवीए रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो रिपोर्ट ऑटोमेशन की एक क्लास है जिसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऑटोमेशन की चीजें। अभी अभी हमारे एक मित्र है मिस्टर विजय महार, उन्होंने मुझे कॉल किया और प्रॉब्लम शेयर की। उनके पास एक पेज है, इनकी वो प्रिंट आउट लेते हैं, एक ही पेज है और उनकी ये प्रिंट आउट लेते हैं। तो प्रिंट आउट में वो चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे दिखे। तो मैंने बोला फुटर यूज कर लीजिए, बट प्रॉब्लम इज दैट कि फुटर में जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा, बट यहां पे मेरे पास कोई नंबर ऑफ पेजेस तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ पेजेस नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो एक ही पेज है, तो सब में एक ही आएगा। तो इसीलिए यहां पे हम मतलब कि डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हर पेज पे प्रिंट आउट। सबसे पहले इसकी प्रिंट की सेटिंग मुझे करनी पड़ेगी ताकि एक पेज पे प्रिंट आए। तो इससे यहां पर मार्जिन, मैंने मार्जिन नैरो लिया हुआ है, ओके साइज लिया हुआ है। एक यहां भरा हुआ है, तो मैं यहां पे विड्थ जो है इसकी 1 पेज कर देता हूं ताकि ऑटोमेटिक एक पेज पेज का आ जाए। अब यहां पे जो पेजेस है ये पेजेस डालना चाहता हूं यहां पे, मैं यहां पे 1 एक बार प्रिंट करो तो 1। जैसे कि मैंने यहां पे प्रिंट करने का मतलब है कि हमें करना क्या है, प्रिंट किया, प्रिंट में नंबर ऑफ मैंने 10 कॉपी कर दी, तो पहली कॉपी पे 1 आना चाहिए, दूसरी कॉपी पे 2 आना चाहिए, तीसरी कॉपी पे 3 आना चाहिए। इसी एक पेज का जितने नंबर ऑफ कॉपीज करेंगे उतना आना चाहिए। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये सीधी अग्नि से निकलने वाला चीज है नहीं। तो यहां पे मैंने लिख दिया पेजेज, पेज नंबर, पेजेज, और यह जो भी लिखना चाहते लिख दीजिए। और मैंने यहां साइड पर यहां से इसको ले लिया, हाँ। और यहां पे मेरा नंबर आना चाहिए और नंबर को मैं फॉर्मेट इस तरह से कर, और इसके लिए हम वीवीए मैक्रो की प्रोग्रामिंग लिखेंगे। विजुअल बेसिक पे जाएंगे। अब यहां पे दिया हुआ है, ये गलत है, यहां पे मैं इसको हटा देता हूँ। मैक्रो 1, उन्होंने मैक्रो अपने तो ट्राई किया था बट वो उस तरह कहीं पहुंच पाए। यहां पे सबसे पहले देंगे हम डिम आर एज ए इंटीजर एंड आर इक्वल को देंगे इनपुट बॉक्स। यहां देंगे कि एंटर टोटल नंबर ऑफ कॉपी, और फिर अगर आपकी 4 आई इक्वल टू 1 2 चले आर। और सबसे पहले जो यहां आपका जो है H33 रेंज, उससे पहले यहां पे ऊपर ये हो गया, और इससे ऊपर में लिखेंगे हम रेंज H33 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, और यहां पे हमारा हो जाएगा रेंज H33 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई एंड जो भी सीट नेम क्या है इसका, सीट वन है और यहां भी सीट वन है, तो सीट वन डॉट प्रिंट आउट। बाकी नंबर ऑफ कॉपी पेज लेने की जरूरत नहीं है, और यही टर्न कर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आई। और इस मैक्रो का हम यहीं पे आते हैं, मैक्रो लिस्ट में आया हमने,
ऑप्शन में हम मान लीजिए कि हम इसका जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट में दे देता हूँ, ए कॉमा, या कुछ और शॉर्टकट भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, शॉर्टकट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे एक बार मैं इसको प्ले, इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा कि आप अपना डिफॉल्ट प्रिंटर जो है, जो आपका डिफॉल्ट प्रिंटर है वो डिफॉल्ट प्रिंटर आप उसी हिसाब से रखेंगे, ठीक है, ताकि क्योंकि इसमें प्रिंटर सेटिंग करने का हमने कुछ ऐसा डाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे माइक्रो को रन करता हूँ बटन के थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू, जिसके थ्रू रन करना चाहते हैं, रन, पूछा नंबर ऑफ कॉपीज, मैंने दिया 5 एंड देन ओके, उतना बड़ा कॉपी होगा और उतना बड़ा आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आ गया, और मैंने नोटन ओपन नोटवर्क में इसका इस्तेमाल किया। तो हमने कोड क्या लिखा, हमने सारे पेज को सेटअप किया और हमने कोड लिखा डिम आर एज इंटीजर, हमने एक इंटीजर डिफाइन किया और फिर जहाँ पे हम, क्योंकि इस पर वन करना ज़रूरी क्यों था, वन करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रिंट दूंगा तो फिर वापस वन से आनी चाहिए ना, जैसे नेक्स्ट टाइम जब 5 पेज और दे रहे हैं तो सबसे पहले इसको वन करेगा और जितना नंबर ऑफ कॉपीज देंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया और इनका प्रोजेक्ट सही हो गया। अब इस फाइल को हम जो सेव करेंगे वो सेव करेंगे माइक्रो एनेबल वर्कबुक में, देखिए यहाँ दिखा था, एक मिनट मैं इसको सेव एज कर देता हूँ, सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ माइक्रो एनेबल वर्कबुक में, जो भी नाम देना चाहते हो नाम देके हमने रेस्ट कर दिया। केयरफुली द पार्ट ऑफ, और इसको हमने यहां से सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमने इसका इस्तेमाल किया। तो आप भी मेरे साथ इस तरह की जो ट्रेनिंग है कंप्लीट MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन की आप ले सकते हैं अपने घर पे बैठ के लाइव मेरे साथ। क्लासेस लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे लॉगिन कीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये क्लासेस ऑनलाइन होती है गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर, जो गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर इसके माध्यम से होती है, लाइव आप लेंगे। लेकिन पहले हम 2-3 क्लास डैमो देते हैं, 2-3 क्लास डैमो लीजिए, अगर आपको डैमो अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, उसको फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। Thanks for watching this video. Have a nice day.